नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब घर पर ठीक ठाक होंगे। आज हम हिंदी की कक्षा में एक नई गतिविधि करेंगे जो कि त वर्ग पर आधारित है। इसमें आपको क्या करना है, दिए गए संकेतों के आधार पर कुछ चित्र बनाने हैं और फिर सही व्यंजनों से उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, जल। जल आप कहां से भरते हैं, ना से, नल से। तो हम यहां पर क्या बनाएंगे, ना से नल। देखिए बहुत ही आसान है ना से नल बनाना, आपको खुद से बनाना है। यह है। ये क्या है, पिग्गी बैंक। इसमें तो आप क्या डालते हैं, रुपए और पैसे, और बहुत खुश होते हैं आप। जो पिग्गी बैंक में हम जो रुपए और पैसे डालते हैं उसे क्या बोलते हैं, धा से धन, धा से धन। तो हम यहां पर बनाएंगे धा से धन। ये क्या है, ये एक बच्चे का चित्र है। बच्चा तो बीमार दिखाई दे रहा है, तो इस बच्चे को क्या देनी पड़ेगी, कड़वी कड़वी। ये बिल्कुल ठीक बताया आपने, द से दवाई। तो यहाँ हम बनाएंगे द से दवाई। ये क्या है, सा से सब्जी। सब्जी बिखरी हुई है, बताइए आप सब्जी को किस में डालेंगे, जो इन व्यंजनों में से किन्हीं व्यंजनों से शुरू होता हो। जी हाँ, इन सब्जियों को हम डालेंगे था से थैले में। तो यहाँ बनाएंगे हम था से थैला। ये क्या है, फा से फूल। फूल तो बगीचे में होते हैं और खुशबू भी देते हैं, लेकिन बताइए फूलों पर कौन मंडराती है, जो इन व्यंजनों से ही किन्हीं व्यंजनों में से शुरू होती है, बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने, त से तितली। देखिए त से तितली कैसे बनाएंगे, प्यारे बच्चों आपने
इन दिए गए संकेतों के आधार पर ये चित्र खुद से बनाने का प्रयास करना है। अब तो बहुत ही आसान है इन चित्रों का सही व्यंजनों से मिलान करना। तो चलो शुरू करते हैं। द, दा से क्या होती है कड़वी कड़वी जो आपने अभी बनाई है? दा से दवाई। तो इसका मिलान हम दा से दवाई से करेंगे। व्यंजन था से क्या बनाया है आपने? था से थैला। तो इस व्यंजन का मिलान हम था से थैले से करेंगे। व्यंजन ता से बनाई है आपने बहुत ही सुंदर प्यारी सी तितली। तो इसका मिलान हम व्यंजन त से करेंगे। व्यंजन ना से क्या होता है? ना से नल। चलिए नल को व्यंजन ना से मिलाते हैं। ये क्या है? व्यंजन ध। और धा से क्या होता है? धा से धन, जिसे देखकर सब खुश होते हैं। चलिए इसे धा से धन से मिलाते हैं। प्यारे बच्चों, इस गतिविधि से आपको त वर्ग को याद करने में, त वर्ग के सभी व्यंजनों को पहचानने में और त वर्ग की शब्दावली याद करने में मदद मिलेगी। इसीलिए इस गतिविधि को आपको खुद करना है मम्मी पापा की मदद से। आशा है आपको यह गतिविधि बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।